सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली अक्टूबर महीने चल रहा है, इस टाइम बंगाली पे जो दुर्गा पूजा का एक्चुअली मतलब फेस्टिवल सीजन अभी चल रहा है, तो इसके लिए मैंने उतना वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मेरा जो वीडियो है, आज है 14th अक्टूबर। जस्ट सी, मेरा जो टाटा पंच इसका अभी आज सेकेंड सर्विस है। सो एक्चुअली सेकेंड सर्विस पे अभी गाड़ी में उतना कुछ प्रॉब्लम मुझको फेस नहीं हुआ है। सो उतना कुछ दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बट एक चीज़ है जो मतलब प्रॉब्लम मैंने देखा नाइट पे, मैंने मतलब नोटिस किया है। ये जो फॉग लाइट है, मैं फॉग लाइट यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। अब देखो, एक साइड जल रहा है, एक साइड नहीं जल रहा है। देखो, ड्राइवर साइड का जल रहा है, इस साइड का जल नहीं रहा है। मुझको लगता नहीं कि ये लाइट कट गया, क्योंकि मतलब दो चार महीने ही हुआ मेरा गाड़ी को, चार पाँच महीने, बट मुझको लगता नहीं है ये लाइट कट गया। आई थिंक कोई वायरिंग का इश्यू है और कोई कुछ लूज हुआ। इसके लिए मैं मतलब बोलता हूँ क्या, मतलब गाड़ी में कुछ बाहर से कम मत कराओ, ऐसे मतलब इशू आते रहेंगे। मेरा वागनर था इससे पहले, 11 साल हो गया था गाड़ी में, बट कभी भी ऐसा इलेक्ट्रिकल दिक्कत नहीं दिया था। और एक चीज़ मैंने एक बार मेंशन किया था जे एक्सेसरीज पे, एक्चुअली जो एक चीज़ मुझको नहीं मिला था वो, तो हालांकि मैंने वो बात कर लिया, बोला वो लोग ने आ जाओ कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी। सो गाइज, अभी बज रहा है देखो ऑलमोस्ट सात बज गए। तो मुझको मतलब गाड़ी दिया था एक्चुअली 6 बजे के आसपास, बट एक्सेसरीज का कुछ काम था एक्चुअली मेरे गाड़ी पे, तो इसके लिए थोड़ा और टाइम लग गया गाड़ी को। और अभी मैं हूँ NA6 पे, देख रहे हो। तो एक्चुअली बेसिकली सेकेंड सर्विस पे मैंने पहले बोला था जो हाँ इंजन ऑयल चेंज होगा। एक्चुअली मारुति पे होता है ऐसे, हुंडई पे भी शायद होता है सेकेंड सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज, बट टाटा पे ऐसा नहीं हुआ। टाटा एक्चुअली मतलब 15,000 किलोमीटर और 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर, मतलब उस टाइम पे इंजन ऑयल चेंज होता है टाटा के, तो वो मुझको मालूम नहीं था। तो सेकेंड सर्विस में एज सच ऐसे मतलब टोटली फ्री है, और सेकेंड सर्विस में ऐसा कुछ काम भी नहीं हुआ। नॉर्मल गाड़ी का एक ओवरऑल चेकअप जो है मतलब फास्ट सर्विस में भी हुआ था। फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ चेंज हुआ था एक्चुअली, वो टाटा मोटर्स ऑफिशियल से अपडेट आया था उसके लिए, जो 5 का ऑल मॉडल पे वो चीज़ होगा। एंड ऑल्सो जो क्रूज कंट्रोल वाला जो टाटा 5 का मॉडल है, उसमें ये क्रूज कंट्रोल का साइड का जो कंट्रोल है और इस साइड पर का जो भी कंट्रोल है वो चेंज होगा। बट मेरा एडवेंचर मॉडल है, तो इसमें सिर्फ वो जो फ्यूज़ वाला जो चेंज था, एक्चुअली एक फ्यूज़ चेंज करना था, तो वही चीज़ चेंज किया। एंड जो नॉर्मल एक चेकअप एंड वॉशिंग, सो यही हुआ है मतलब सेकेंड सर्विस पे, और कुछ नहीं, और कुछ खर्चा भी नहीं आया। अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है, ऑफिस टाइम एक्चुअली हो गया ना, इसके लिए थोड़ा सा मतलब रश है हाईवे पे। और ये NA6 फॉलो का एक्चुअली रोड है, ये जा रहा है उस साइड पे एक्चुअली धूलागढ़, मैं सामने से यू टर्न लेके घर जाऊँगा। तो और हाँ, एक चीज़ मैं मतलब बोलना भूल गया था, मतलब मैंने बोला था ना जो एक फॉग लाइट मेरा जल नहीं रहा था, तो फॉग लाइट के लिए मैं सर्विस सेंटर पे गया था, बट उन लोगों ने बोला ये तो कंपनी फिटेड नहीं है, तो इसके लिए एक्सेसरीज डिपार्टमेंट पे जाओ। बट जब वो लोग बोला ने अगर सर्विस मैं पहले सर्विस करा उसके बाद आप एक्सेसरीज डिपार्टमेंट पे जाओ, बट सर्विस करने के बाद वो जो फॉग लाइट है वो ऐसे जलने मतलब जल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब दोनों का दोनों फॉग लाइट ही जल गया। तो उसके लिए मैंने एक्सेसरी डिपार्टमेंट को बोला था जो हाँ एक बार खुल के आप देख लो, बट उन लोगों ने बोला अगर ठीक से जल रहा है तो ठीक है, कोई एज ऑफ नाउ गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। और एक चीज़ मैं एक्चुअली फेस करता था जो है मतलब FM जब चलाता था ना, FM चलाने के टाइम पे मतलब अगर गाड़ी में FM चल रहा है तो अगर हॉर्न देता था तो एक थोड़ा सा नॉइज आता था, मतलब FM एक्चुअली क्लियर नहीं होता था उस टाइम पे, जब मतलब जिस टाइम पे मैं हॉर्न देता था। बट अभी वो प्रॉब्लम भी मैंने देखा सॉल्व हो गया, बट आई डोंट नो हाउ,
बट हाँ वो चीज़ भी मतलब सॉल्व हो गया। तो यही भी एक चीज़ है, मतलब जो फॉग लाइट वाला जो चीज़ था वो सर्विसिंग पे ही, मतलब आई थिंक थोड़ा सा कुछ वेयर या वेयरिंग पे या कहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा लूज था, जो ऐसे मतलब अभी ठीक हो गया। तो हो गया अभी सब कुछ ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, दैट सेकेंड सर्विस वाला वीडियो फॉर टाटा पंच। सो अभी के लिए थैंक यू, एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। और अभी इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा, जो मतलब गाड़ी मेरा अभी 6 मंथ हो गया और ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर चल चुके हैं, एंड अगर मतलब 4000 किलोमीटर के बाद मैं एक छोटा सा रिव्यू वाला दूंगा, और मतलब कुछ क्या मुझको प्रॉब्लम फेस हुआ है या नहीं, तो उसके लिए सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड माइलेज वाला भी मैं वीडियो दूंगा, बट वो 5000 किलोमीटर होने के बाद, क्योंकि मतलब इतना जल्दी जल्दी देने में मतलब ठीक से गाड़ी अभी माइलेज ठीक से निकल भी नहीं पा रहा है। तो इसके लिए 5000 किलोमीटर चल जाएगा, मतलब गाड़ी अच्छा खासा चल गया, तो उसके बाद गाड़ी अच्छा सा माइलेज देने का कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे मैंने माइलेज का एक वीडियो दूंगा, जहाँ कितना क्या माइलेज मिल रहा है क्या नहीं। मैं सिटी के लिए ही एक दूंगा और हाईवे के लिए भी, मतलब दोनों अलग अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो यही प्लान है एज ऑफ नाउ। सो या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। तो गाइस और एक चीज़ दिखाना रह गया था, ये देखो ये है टोटल एक्चुअली सेकेंड सर्विस का बिल जो है 00। सो यही है, मैंने बोला ना एक का फ्यूज़ था, देखो एक है 30 वाट का एक लिटिल फ्यूज़ और सेकेंड सर्विस और नॉर्मल 5 का चेक। तो